हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके सो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लीजिए। ओके आते हो यार, देख के चले जाते हो, मेरी तो हेल्प करो ना प्लीज़। सब्सक्राइब करके ही आप हेल्प कर सकते हो। और पसंद आया वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी प्लीज़ करिएगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाना भी है। सो शेयर करना भी ना भूलें इस वीडियो के लिंक को। ओके सो आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है, यह है सेकेंड पार्ट। इसके पहले मैं जो डिस्कस किया था वो था सरफेस एरियाज। ओके सरफेस एरिया ऑफ इट वाज यस सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड फिगर्स, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड फिगर्स। वही जो सॉलिड फिगर्स होते हैं मेनली कौन कौन से, क्यूबॉइड, देन वी हैव सिलेंडर, क्यूब, ओके स्पीयर, हेमिस्फीयर एंड कोन। इन सब के वॉल्यूम्स फाइंड करेंगे। ओके तो देखिए, ये वॉल्यूम्स मतलब होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस कवर्ड बाय ए सॉलिड फिगर, कितना स्पेस कवर किया होगा। ओके अब वो स्पेस या तो किसी सॉलिड क्वांटिटी के लिए हो सकता है, चाहे गैशियस या फिर लिक्विड। जैसे कि आप एक वाटर बॉटल लो, तो वाटर बॉटल में कितना अमाउंट ऑफ क्या होगा, लिक्विड, मतलब बॉटल में कितना लिक्विड है, कितना वाटर है। अगर वाटर लिए हैं तो वो हमें क्या बतलाता, जैसे बोलते हैं 1 लीटर है या 1.5 लीटर या हाफ लीटर, दैट इज 250 ml। ये सब के सब क्या डिनोट करते हैं, ये सब के सब वॉल्यूम बताते हैं कि उस बॉटल की कैपेसिटी क्या है, उसमें हम कितना वाटर रख सकते हैं, वो क्या बताता है उसका कैपेसिटी। तो इन अदर टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम। ओके अब समझ लीजिए, एक रूम है, उस रूम में कितना हवा भरा हुआ है, करेक्ट। तो वो भी क्या बता रहा है, उस रूम का कैपेसिटी बता रहा है, स्पेस बता रहा है कितना स्पेस है। तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में उसकी स्पेस वैल्यू क्या है, उसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम। ओके और इसका सिंपल फॉर्मूला है, देखिए एरिया इनटू लेंथ, ये है फॉर्मूला वॉल्यूम का। ये किसी भी फिगर के लिए हो सकता है। ओके अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर में इसमें कितना स्पेस है, हम क्या करते हैं, ये नीचे क्या दिया, ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू इसको यहाँ तक हाइट जो है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है हमारा एरिया, वॉल्यूम हो जाता है। तो देखो एरिया ऑफ अ फिगर, यहाँ पे क्या है, सर्कल है तो इसलिए हमने सर्कल का एरिया लिया, और उसको थ्रू आउट जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर में होता है, क्यूबिक यूनिट। एक्चुअली अगर क्वेश्चन मीटर में दिया है तो हम मीटर क्यूब में लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, या एमएम दिया है तो मिलीमीटर क्यूब लिखेंगे, या फिर वो लीटर में दिया होगा अगर लिक्विड है तो, या मिलीलीटर में दिया होगा। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ओके और इनके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है, इनका वॉल्यूम, सरफेस एरियाज वगैरह, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। ओके उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे आप देख के समझ सकते हैं। ओके सो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा स्टार्ट करते हैं, दैट इज वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर। आई होप आपको वॉल्यूम क्या होता है समझ में आ गया है। ओके अब आते हैं एक एक करके पहले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या दिया है, इसमें भी आपको वही करना है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो समझ गए होंगे, सबसे पहले आपको क्या, डेटा समझना है कि डेटा दिया क्या हुआ है, और डेटा में आपको सबसे पहले जानना है फिगर। यहाँ डायरेक्ट फिगर नहीं दिया होगा कुछ और दिया होगा, या बाई चांस डायरेक्ट भी दिया रहता है, बट आपको समझना है और उसको यहाँ पे पहले लिख लेना है। फिर उसके डायमेंशंस, अब डायमेंशन का मतलब होता है आइदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट
या रेडियस या डायमीटर, इन सबको ऑल टुगेदर हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशंस मतलब उसका मेजरमेंट, दोनों सेम ही है तो ये दोनों लिखना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मतलब पूछा क्या गया है, वो आपको यहाँ लिख के सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक एक करके जब सॉल्व करेंगे तो आप और अच्छे से समझोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए, एक क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। ओके, क्यूबॉइडल वेसल है, समझ लो क्यूबॉइडल वेसल, क्यूब, क्यूबॉइडल फिगर क्या है, क्यूबॉइड। अब एक क्यूबॉइडल वेसल है, समझ लो एक प्लेट है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। मैं अगर यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ लगभग ऐसे दिखेगा, आपको इमेजिन करना है। ओके, अलमीरा टाइप फ्रिज दिखता है ना, वो भी क्यूबॉइडल शेप में ही है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, उसका लेंथ है कितना, 10 मीटर, तो या तो आप इसको ले लो या इसको, दोनों चलेगा। एंड वाइड 8 मीटर, अगर ये 10 लिए हो तो ये मीटर में बोला है। व्हाट शुड बी द हाइट, हाइट कितना होना चाहिए, मतलब वो कितना हाई होना चाहिए, एच फाइंड करना है आपको। इफ इट इज मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड, अगर इसमें हम पानी या कोई लिक्विड रखना चाहें तो 380 रख पाए मीटर क्यूब, चाहे क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका, एल दिया हुआ है आपका, बी भी दिया हुआ है। ओके, चलो ये बी है, ओके ये बी है, ये एल है, अब तो सही है ना। ओके, तो ये है हमारा 8b था, ब्रेथ वाइड मतलब ब्रेथ, और ये लेंथ 10 था। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट फाइंड करना है। तो भाई ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। आपको क्या दिया है, v दिया है, l दिया है, b दिया है, h फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूट करो, ये 380 है एंड हियर l इज 10 एंड b इज 8, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ h, h को ऐसे ही रखो। तो h क्या हो जाएगा, h विल बी इक्वल टू, अगर ऐसे लिखूं तो भी चलेगा, 380 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS में गया तो डिवाइड होगा 10 इंटू 8। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, h इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही हैं, सो 10 इंटू 8। अब देखो कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्या करना है, सिंप्लीफाई मतलब उसको एकदम छोटा कर देना। अगर मैं देता यहाँ पे 10 बाई 4, तो आप 4 से डिवाइड करने मत जाओ। देखो दोनों ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस टेबल में आते हैं, तो स्टार्ट आप 2 से कर सकते हो, तो 2 से करोगे तो ये 2 5 और ये 2 2। अब देखो 5 बाई 2 किसी भी एक मल्टीपल में आते हैं, नहीं, एक को छोड़ के नहीं आते, सिर्फ एक में जब आएंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये 2.5 है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे हम देखो, ये जीरो और ये जीरो, हमेशा जीरो लास्ट में होगा तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है। 38 और 8 है, 8 के टेबल में 38 नहीं आता, 4 में भी नहीं, 2 से तो आता है ना, 2 4 जा 8 और ये 2 19 जा इतना 38, तो 19 बाई 4 मिला। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा ये, 4 4 जा 16 होगा, यहाँ पे 3 कैरी है ना, सो 39 हुआ, तो 4 8 जा कितना होता है, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 होगा, और डेसिमल में यहाँ 36 गया तो 3 0 बचेगा, तो 4 7 जा, तो हाइट आएगा लगभग 49.7 मीटर। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, अगर कुछ मिस्टेक है तो कैलकुलेट कर लीजिए, बट यही हमारा असली सही मेथड है। ओके, असली नहीं, सही मेथड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, हेलो, या सुनाई दे रहा ना, या यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये 19 बाई 4 इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी अराउंड 4.4416, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 30 है ना, तो 4. इट विल बी अराउंड 7, ऐसा कुछ आएगा 4.7n, अगर एक डेसिमल के बाद एक नंबर भी लिखते हो तो चलेगा, दिस इज इन मीटर, सो 4.7 मीटर लिखे तो भी चलेगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट
8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। मतलब एक समझ लो क्यूबॉइडल कुआं था, ऐसे इमेजिन कर लो। उसको क्या करना था, हमें डिग करना था, मतलब उसको खोदना था। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशन दिया है, देखो ऐसा कुछ था। तो यहाँ जितने भी ये मिट्टी होंगे नीचे, उन सबको निकालना था। ओके, अब यहाँ पे दिया है इसका लेंथ क्या था, 8 मीटर, मैं लिखता हूँ 8, 6 मीटर ब्रॉड, मतलब ये वाला है, इसको बी लिखते हैं 6 मीटर, एंड 3 मीटर डीप, कितना गहरा था, डीप मतलब गहरा, उसको एच बोलते हैं हाइट, वो था 3 मीटर। इसको आप नीटली लिख सकते हो डेटा में ऐसे कि लेंथ ऑफ द पिट ओके इज इक्वल टू 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ द पिट बी इज इक्वल टू 6 मीटर, वो लिखना है बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंड हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट पूछा है। इफ द रेट इज, रेट रेट क्या है भाई इसका, रेट दिया है कि ₹30 पर मीटर क्यूब, मतलब पर का मतलब होता है एक, 1 मीटर क्यूब पे कितना दिया है ₹30। तो बोलो टोटल इसका वॉल्यूम जो होगा उसका कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आएगा उसको 30 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। सो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूबॉइड का, एल बी एच। तो एल दिया हुआ है 8 × 6 × 3, बी भी और एच भी दिया हुआ है, तो कितना आया ये आप कैसे कर सकते हो, 8 इसको मल्टीप्लाई करके 48 × 3 कर दो, है ना। तो अब 8 × 3 = 24, 2 कैरी, 4 × 3 = 12, 13, 14, तो 144 मीटर क्यूब आया। क्या वॉल्यूम, मतलब इतना मिट्टी हम निकालेंगे, इतना गहरा होगा, मतलब उस गहरे में इतना वॉल्यूम होगा उस गहराई में इधर। अब बोला है रेट, तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट इज, इसको डायरेक्ट ऐसे करो, देखो 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या था, इट वाज 30, सो 144 मीटर क्यूब का कॉस्ट क्या होगा, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x क्या हो जाएगा, x इंटू 1 x ही रहेगा, 144 इंटू अब 30 कर दो, मिल जाएगा आंसर। जीरो को साइड में रखो, खाली 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12, 1 कैरी, 4 × 3 = 12, 1 13, और ये 3 + 3 + 1 = 4, सो 4 × 3 = 2 हुआ, और एक जीरो ये था लास्ट में, जीरो डाल, इतना रुपया लगेगा भाई तुम्हारा, 4320 इज द आंसर, नॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल। तो पहले तो फिगर सिलिंड्रिकल, तो पहले आप सिलेंडर का एक फिगर बना लो, या दिमाग में कर सकते हो तो करो, ऐसे एक फिगर बना लो इमेजिनरी, ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, समझ लो बॉटल जैसा है, वाटर बॉटल। वेसल इज 132 सेंटीमीटर, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस है, तो ये बेस इसको बोलते हैं, ये इस पार्ट को बोलते हैं बेस। तो ये किस शेप में है, सर्कल के, राइट, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, ये होता है 2πr। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली 2πr दिया हुआ है, कितना, 132 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, मतलब 2πr का वैल्यू दिया हुआ है, एंड इट्स हाइट, मतलब ये यहाँ से यहाँ जो हाइट है वो हाइट कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, लीटर्स पूछा हुआ है, मतलब कितना लीटर पानी इसमें आएगा, बट हम लोग को यहाँ यूनिट क्या मिला है, सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है। ओके, तो ये लास्ट में अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अपना सेंटीमीटर क्यूब में डाल देंगे, और उसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर किस में मिलेगा, लीटर में मिलेगा। ओके, 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, इट इज सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, राइट। अब यहां देखो आपको यहाँ पे पाई का तो वैल्यू मिल जाएगा, राइट, आर का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इस वाले फॉर्मूला से। ओके, सो मैं पहले वो फाइंड कर लेता हूँ, सो 2πr दिया हुआ था, कितना था 132, तो
तो देखो यहां भी पाई है तो मैं यहां भी पाई रखूंगा, क्यों कैंसल हो जाएंगे दोनों। कैसे देखो आर क्या होगा 132/2π होगा। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूं सो 2 6 12 2 6 12 तो आर कितना मिला 66/π। तो देखो पाई को पाई ही रखता हूं यहाँ पे। अब देखो जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये पाई रहा, आर का वैल्यू क्या मिला हमें 66/π इंटू, और एक बार लिखना है 66/π ओके अलग है ये, इंटू आई हाइट कितना दिया है 25, तो यहाँ 25 लिख दो ओके। आर स्क्वायर का मतलब आर को दो बार मल्टीप्लाई करना है ओके। तो अब देखो एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 66 × 66 × 25 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करो, डिनोमिनेटर में है तो 22/7 तो 7 ऊपर आ जाएगा है ना, बाई 7 है। अब देखो 22 1s 22 3s कैंसिल हुआ। हाँ अब ये मिला 3 × 66 × 25 × 7 ओके। तो आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा और कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है राइट। सो 7 3s इसको भी 21 कर लो, 21 × 66 × 25 तो एक एक करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आपको ये आंसर लगभग मिलेगा 3 4 6 5 0 cm³ ओके इतना मिलेगा। अब ये जो मिला है ये किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें किसमें चाहिए, लीटर में। तो किससे डिवाइड करना है, यस यू हैव टू डिवाइड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर इज इक्वल टू 3 4 6 5 0 डिवाइडेड बाई 1000। तो देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 तो ये 1 2 3 नंबर छोड़ के डेसिमल डाल दो बस, सो आंसर हो जाएगा 34.65 liters ओके। दिस इज योर आंसर, आई होप आपको समझ में आया है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल तो सेम सिलेंडर शेप दिया हुआ है, ऐसे बना लो आप रफली। कैपेसिटी दिया मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 15.4 liters अच्छा लीटर्स में दिया है। ऑफ हाइट, हाइट भी दिया हुआ है कितना है 1 meter। हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, हाउ मेनी, और यहाँ देखो गौर से क्लोज्ड पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है क्लोज्ड मतलब ढका हुआ, यहाँ से भी यहाँ से भी, और बोला हाउ मच स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मेटल इज रिक्वायर टू मेक, तो इसको पूरा बनाने के लिए कितना मेटल शीट लगेगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ पे TSA ऑफ द क्यूबॉइड सॉरी सिलेंडर ओके। तो वॉल्यूम दिया हुआ है कि इसमें इतना पानी रख सकते हैं, हाइट भी दिया हुआ है, तो क्या बोले हैं भाई बताओ TSA कितना मेटल लगेगा, तो टोटल मेटल कितना लगेगा TSA जो है वह। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले फॉर्मूला लिखते हैं TSA में क्या क्या चाहिए हमें। तो TSA में क्या चाहिए होता है 2πr × r + h यही फॉर्मूला होता है ना भाई, 2πr × r + h। अब देखो हमारे पास 2πr का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, लेकिन वॉल्यूम दिया है ओके। h का वैल्यू दिया है हाँ, क्या नहीं दिया है r, तो हमें r फाइंड करना है। r कहाँ से मिलेगा, दूसरा जो दिया होगा वैल्यू उधर से। तो वॉल्यूम दिया है कितना 15.5 liter, लेकिन ये देखो लीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे ये मीटर में है, तो इस लीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना। और याद रखना 1 m³ का मतलब होता है 1000 liter ओके। अभी जो मैंने बताया था कि 1 liter में होता है 1000 cm³, देखो सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या होता है ml, जो पढ़ते हो ना 100 ml 500 ml 1000 ml, तो 1 liter मतलब है वो सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन 1 m³ में 1000 liter होता है, ये याद रखना। मीटर क्यूब ज्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू 1 liter ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो हम इसको पहले लीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में। सो 15.4 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1000। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो हमारा वैल्यू क्या होगा? हाँ, हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये देखो एक डेसिमल है, इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो 154 बाई 1, 2, 3 और एक जीरो आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। तो यहाँ पे नंबर कितना है, 3 ही है, तो आपको डेसिमल प्लेस करके 4 नंबर लिखने हैं। तो 154 तो हो जाएगा क्योंकि 4 जीरो थे, लेकिन 0 भी लिखना होगा। अब 4 हो गए तो 0.0154 मीटर क्यूब, ये है हमारा वॉल्यूम, ओके। अब देखो वॉल्यूम में, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच, राइट, ये है हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0154 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू है चलो 22/7 लिख लेते हैं, ओके। आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है, तो आर स्क्वेयर ही रखते हैं, इनटू हाइट दिया हुआ है 1, ओके। तो अगर आप गौर से देखो तो 7, 154 जो डेसिमल हटा दो, 7 से डिवाइड होता है, करेक्ट, 7 2 14, 1 कैरी, 7 2 14, तो इधर कितना आएगा 22, बट डेसिमल है तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको चेंज करता, डेसिमल हटा देता, तो चलो डेसिमल हटा देता हूँ, 154 अगर लिखता तो कितने जीरो लगते, 1, 2, 3, 4, है ना, क्योंकि 4 नंबर है डेसिमल के बाद, यहीं पे तो किया था हमने। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, 1 हट जाएगा। तो अब देखो आर स्क्वेयर क्या होगा, आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू, ये सब इधर जाएगा, तो ये 154/10,000, ये 7 आएगा आपका यहाँ, इधर पे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा, और यहाँ न्यूमरेटर में जो है इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। सो 22 इंटू दिस, अब देखो 22 और ये 154, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, राइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने किया था 22, 7 से किया था, तो 7 से 22 बार आ रहा था, मतलब 22 इंटू 7 करेंगे, 22 इंटू 7 तो हमको 154 ही आएगा, राइट। तो अब मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 4, 0, राइट, ये हमारा आर स्क्वेयर। तो आर क्या हो जाएगा भाई, इट इज रूट, ये स्क्वेयर जब राइट में आएगा तो रूट बनता है, तो यहाँ 49 है और यहाँ पे कितना है 4 0, तो 49 का स्क्वेयर क्या होता है, 7 होता है, और 10,000 का जो 2 0 हटा दो 100 होगा, ये है आर। तो आर कितना मिला, आप या तो 7/100 लिखो या 0.0, और ये आएगा हमको किस में, सॉरी मीटर में आएगा, है ना, ये आर है। अब देखो 7/100 हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था टी ए से, तो टी ए से अगर मैं यहीं पे लिखूं, ओके चलो यहीं पे लिखता हूं कलर चेंज करके, हाँ, सो टी ए से क्या हो जाएगा, 2, इन सबको इरेज कर देता हूँ, आपने समझ लिया होगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पॉज करके या रिवाइंड करके देख सकते हो वहाँ पे क्या था, आर तो मिल गया है। तो देखो अब सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर क्या मिला हमें, 7/100, तो यहाँ पे लिखूंगा 7/100 आर, दैट इज 7/100 प्लस हाइट मिला है 1। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये 2 1s और ये 2 50s, राइट, तो यहाँ पे मिला आपको 22/50, और इधर 7/100 को अगर मैं लिखूं तो 0.07 होगा, प्लस 1 है क्योंकि ये 1 ऐड करना है तो बेहतर ऑप्शन लग रहा है। सो 22/50 इंटू 1.07 होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये 22 और 52 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 25 हो जाएगा और ये 11s, तो 11 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाई 25, ये आप कर सकते हो, इसको 107 रख के लास्ट में डेसिमल मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। और ये आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वेयर में आएगा, ओके, क्योंकि सब कुछ मीटर में हमने लिया है तो मीटर स्क्वेयर में आएगा। आप एक बार चेक कर लेना ये क्या है, खुद से कैलकुलेट करके, ये लगभग अराउंड, अगर मैं बोलूँ तो इट विल बी अराउंड 0 पॉइंट, डेसिमल में आएगा 0.0
47 मीटर स्क्वेयर। तो इतना मेटल चाहिए हमें ये विजल बनाने के लिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन ए सूप डेली इन ए सिलिंड्रिकल बाउल। ओके, उसको एक सिलिंड्रिकल प्याले में समझ लो, ऐसा कुछ प्याला था, ऊपर से खाली होगा ना, मतलब ओपन होगा तभी तो इसमें, ग्लास जैसा ये बाउल ऑफ डायमीटर 7, मतलब ये दिया हुआ है। डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा? आप 7/2 लिखो, 3.5 मत लिखो, डेसिमल अवॉइड करना है जितना हो सके। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, समझ लो 4 सेंटीमीटर हाइट तक इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो इसमें कितना आदमी पीता है? एक पेशेंट पीता है पेशेंट। ओके, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, वो जो मिलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 250 पेशेंट्स कितने पिएंगे, क्या सूप, तो जो भी एक का मिला उसे 250 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ बाउल सिलिंड्रिकल है तो फॉर्मूला क्या है भाई इसका, पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई को 22/7 लिखते हैं, आर का वैल्यू देखो 7/2 × 7/2, स्क्वेयर के बदले ये लिखो इजी है, इंटू हाइट क्या है 4, ऐसा मिला। अब देखो ये 7 1s 7 1s कैंसिल, ये 2 1s 2 2s कैंसिल, ये 2 1s और ये भी 2 1s कैंसिल, बचा क्या 22 × 7। तो अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 7 2s 14, 7 2s 14 + 1 15। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला है आपको 154 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब एक का वॉल्यूम है, मतलब एक इस बाउल में, इस ग्लास अगर है तो इस ग्लास में इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो बोले 150 लोग कितना होगा, 250 लोग को कितना सूप दिया जाएगा, सो वो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट इज इक्वल टू 250 × 154 करना है आपको, दैट्स ऑल। तो 254 इंटू क्या करोगे आप, 250 × 150 करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आपको, तो ये लगभग 38500 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, यही अगर लीटर में बोला होता तो आपको बस 1000 से डिवाइड करना था, राइट, तो ये 30 चले जाते, 38.5 लीटर होता आंसर। ओके, सो है ना बहुत ही सिंपल, यस इट इज वेरी सिंपल, बस आपको समझ के सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। ओके, यहाँ पे कोन दिया हुआ है, इफ आई राइट लाइक दिस, दिस इज ए कोन। ओके, इसका वॉल्यूम दिया है, क्या है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 48 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, इट इज 48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड दिस इज नॉट पी, एक्चुअली दिस इज पाई, इसको आप चेंज कर लो, इट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या है वॉल्यूम है ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हाइट कितना है 9 सेंटीमीटर, बोल रहे फाइंड द डायमीटर, डायमीटर डायमीटर मतलब क्या होता है 2 times ऑफ रेडियस, तो आपको रेडियस फाइंड करना होगा। ओके, जो रेडियस आएगा उसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा डायमीटर, दैट्स ऑल। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, सेम एज सिलेंडर बट डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो वी क्या दिया है, 48 पाई इज इक्वल टू, पाई ही रखो देखो क्यों, दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू आर क्या दिया है भाई पता नहीं, आर स्क्वेयर ही रखो, इंटू एच दिया है 9 एंड डिवाइडेड बाई 3। सो देखो ये पाई पाई कैंसल, देखो एल एच एस में अगर सेम लेवल पे हो, दोनों न्यूमरेटर में है तो कैंसल हो सकते हैं, एल एच एस में अगर सेम है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 1s 3 3s ये कैंसल हो जाएगा। अब देखो यहाँ बच क्या गया, 48 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर इंटू 3, तो 3 और ये कैंसल हो सकते हैं, 3 1s 3
थ्री सिक्सटीन जो 48, तो आर क्या मिलेगा आपको, 16 का रूट, स्क्वेयर है ना तो रूट इधर हो जाएगा, तो आर क्या मिला 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर क्या होगा, इट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, सो 2 × 4, व्हाट इज द आंसर, 8 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, मतलब इसका यहाँ पे जो उसका डायमीटर होगा 4 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसका मैं कलर चेंज कर दूं। ओके, देखो क्या दिया है, ए हीप ऑफ ए वीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये है पहला क्वेश्चन। हीप मतलब समझ लो गेहूं, वीट का अगर गेहूं ऐसे यहाँ पे रखा जाता तो वो एक कोन जैसा बन गया ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे दाना 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 करके रखे हैं तो एक कोन जैसा बन गया है वो, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 10.5, तो सेंटीमीटर है, तो मैं इसको 105/10 लिखता हूँ, ओके, डायमीटर सेंटीमीटर सॉरी मीटर में है। एंड हाइट, हाइट दिया हुआ है कितना 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई को 22/7 लिखते हैं, आर क्या होगा इसका आधा, राइट, तो आधा मींस डिवाइडेड बाय 2, सो क्या हो गया ये 105/2 × 10 हुआ, दो बार लिखना 105/2 × 10 इंटू हाइट क्या दिया हुआ है 3, तो देखो अब आप कैंसिल कर सकते हो, ये 105 7 से कैंसिल होता है, करेक्ट, 7 1 जा और ये 7 1 जा 7 होगा और यहाँ पे 0 है तो कितना हो जाएगा 13, है ना, 13 होगा सॉरी 15 होगा, ये 3 बचेगा 35, तो 7 5 है, तो ये आया 15 और 7 से कैंसिल हुआ। अब क्या कैंसिल कर सकते हैं, दूसरा हम देखो ये 5 के टेबल में आता है, 5 2 जा और यहाँ पे 5 3 जा, राइट, अब क्या कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 22, 2 1 जा 2 11 जा, तो न्यूमरेटर में आ रहा है 11 × 3 × 105 × 3 / यहाँ पे 2 2 10, 2 × 2 × 10, देखो फिर से यहाँ पे 10 और 5 है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, ओके, कैसे मैं बताता हूँ, देखो 5 के टेबल में ये भी आता है 5 2 जा और ये भी आता है 5 2 जा 10 और 5 1 जा, तो ये 21 आ गया। अब आगे कहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं भाई, 3 3 3 सब 2 2 2 है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये 11 है, ये 3 3 जा 9, सो 11 × 9 क्या होता है 99 × 21/246, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है ये, तो इतना आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ये मल्टीप्लाई करो फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, ओके, तो ये आपको लगभग आएगा डेसिमल में ही कुछ मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 86.625 ऐसा मिलेगा, ये है मीटर क्यूब में। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे क्या दिया है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कैनवास मतलब एक तरह का कपड़ा जिसको ढक, बारिश में इसको अगर ढके तो वो भीगे ना, ओके, टारपोलिन जैसा, तो ढकेंगे क्या, सिर्फ यही पार्ट ना, है ना, इतना ही पार्ट यहाँ जो दिख रहा है, मतलब क्या है वो सी ए से है, टी ए से नहीं है क्योंकि ये बॉटम तो ढक नहीं सकते, तो हमें क्या फाइंड करना है, सी ए से चाहे एल ए से ऑफ कोन, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका भाई, इट इज पाई आर एल ही होता है, बट हमारे पास पाई मतलब चलो मान लेते हैं 22/7 है, आर भी अभी मिला हुआ है, राइट, यहाँ पे 105/2 × 10, बट एल दिया हुआ है क्या, हैज दे गिवन एल, नो दे हैव गिवन एच, तो आपको क्या करना होगा भाई, देखो ये भी जान लो, एल बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एच, और यहां से यहां को बोलते हैं आर, तो यहाँ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, 90 डिग्री दिख रहा है राइट एंगल, ये एल है, ये एच है, ये आर, तो आपको क्या चाहिए, एल, एल क्या होता है, इट इज रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकला हुआ है, तो एच, एच का वैल्यू तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना दिया था
105 2 by 10 मतलब 20। तो अगर इसको शॉर्ट करूँ तो 5 4 से ये होगा और ये 5 2 से 10 5 1 से 21/4 होगा। तो आप 21/4 लिख सकते हो। ओके सो इधर होगा आपका 21/4 के बदले भी अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो 5 4 से 20 डेसिमल 5 2 से 10 5 4 मतलब 5.24 आ रहा है। तो ये 5.24 रेडियस का हो गया। और हाइट कितना दिया हुआ था, हाइट हमें पता है दैट इज 3 दिया है राइट, हाइट इज 3 मीटर। तो हाइट का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करो 3 स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सो विल गेट अप्रोक्सीमेटली ये 25 के आसपास होगा और ये 3 3 9 के आसपास होगा। ये डेसिमल है तो लगभग ये और भी 27 8 के आसपास जा सकता है, मतलब लगभग 36 के आसपास आ रहा है। तो रूट 36 का वैल्यू क्या होता है 6। तो आप 6 भी लोगे तो चलेगा। ओके वो डेसिमल उतना कंसीडर नहीं करेंगे तो चलेगा, माइन्यूट एरर है वो हम अज्यूम कर सकते हैं, नियरेस्ट वैल्यू आप लिखोगे तो हो जाएगा। तो एल कितना मिला आपको, इट इज लगभग 6 के आसपास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिए हैं एग्जैक्ट नहीं। और ये कितना था 21/4 लिख सकता है ना, इसको मैं रेस कर देता हूँ तो इसको 21/4 ही लिखते हैं 21/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा ठीक है, ये 2 2 जा 4 और ये 11 2 जा और ये 2 1 जा 2 3 जा तो 11 × 3 3 जा 9 आया। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 99 मीटर स्क्वेयर क्योंकि ये एरिया है। तो इतना मीटर स्क्वायर का क्या लगेगा आपको, कैनवास, ये जो वीट है उसको ढकने के लिए उतना कपड़ा लगेगा कैनवास का। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल। मेटालिक बॉल, बॉल किसके शेप में होता है भाई, स्पीयर, मतलब स्पीयर का क्वेश्चन आ गया। डायमीटर दिया है सो डी इज इक्वल टू 2R which is equal to 4.2 centimeter decimal में। What is the mass of the ball if the density of metal is 8.9 gram per centimeter cube? तो देखो ये जो density होता है इसका है ये mass by volume, तो mass by volume यहाँ पे ये gram में दिया है, gram per centimeter cube। क्या लिख रहा है, density 8.9 है ना, ऐसा दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, मास। तो इस फॉर्मूला से मास क्या होगा, मास विल बी, ये है मास, ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास मिल जाएगा हमें किसमें, ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राम दिया हुआ है। और वॉल्यूम किसमें फाइंड करना होगा, सेंटीमीटर। ये डी क्या है, डी इज डेंसिटी, यहाँ पे डायमीटर नहीं याद रखना, डेंसिटी है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई, इट इज 4πr³ डिवाइडेड बाई क्या होता है, इट इज 3 राइट, 4πr³/3। सो r दिया हुआ है, नहीं, r विल बी व्हाट, 4.2/2। तो ये लगभग 2.1 होगा, डेसिमल में है तो मैं इसको 21/10 लिख लेता हूँ। ओके अब सब्सटीट्यूट करो, 4 × 22/7 इंटू आर को 3 बार 21 × 21 × 21 × ये 10 × 10 × 10 इंटू 3 भी करना है, ये 3 डिनोमिनेटर में था, ऐसे डेसिमल नहीं रखो तो ही इजी है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये 7 1 जा 7 3 जा, ये 3 3 कैंसिल, ये 2 के टेबल में 2 5 जा और ये 2 11 जा, यहाँ भी कैंसिल होगा 2 5 जा और ये 2 2 जा। तो अब 11 × 2 22, हाँ यहाँ भी कैंसिल होगा 2 1 जा 2 5 जा, तो बचा क्या 11 21 21। सो 11 × 21 × 21 डिवाइडेड बाई 5 5 5, तो 5 5 × 5 मतलब 5 5 जा 25 और ये 125। इसको आपको सॉल्व करना है। ओके तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, एक एक करना है, इसको पहले करो जो आएगा उसको इससे करो। तो जब सॉल्व करोगे यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 38.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मास फाइंड करना है। तो मास क्या होता है भाई, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, 338.8
इनटू डेंसिटी कितना दिया था क्वेश्चन में ही था वो 8.9 ग्राम 8.9 तो ये दोनों डेसिमल में है राइट। तो आप इसको 388 इंटू 89 बाई 10 यहाँ भी बाई 10 कर दो तो इससे होगा क्या आप थोड़ा कम कर सकते हो अपना कैलकुलेशन तो ये लगभग आपका कितना आएगा ये 2 5 10 और ये हो जाएगा 194 फिर से आप कर सकते हो ये 5 2 10 और ये आपका 2 2 9 18 2 7 तो 97 इंटू 89 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो टू डिजिट बन गया तो ये थोड़ा इजी है सॉल्व करना तो इन दोनों को आप अब आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 25 करो सो जो भी मिलेगा यू विल गेट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 345.3 ग्राम मिलेगा आंसर ओके क्योंकि ये मास पूछा था सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे क्या दिया है देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई स्पीयर है ये 4πr³/3 तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या होगा 4πr² × r/3 लिख सकते हैं हाँ ये भी चलेगा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि सरफेस एरिया दिया हुआ है डायरेक्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमें क्या फाइंड करना है वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πr² के बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है 4πr² इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर तो इसके बदले 154 लिख लो 154 लिखे बट r by 3 r क्या होगा डिवाइडेड बाई 3 का तो यहीं से r भी फाइंड कर लो भाई r इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4π और ये रूट में होगा है ना तो इसको जब हम सॉल्व वॉल्व करेंगे सॉल्व भी कर सकते हैं कैसे देखो 154 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7 करो ओके क्योंकि ये पाई का डिनोमिनेटर में तो ये 22/7 आता है ये कैंसिल हो जाएगा तो 7/7 49/4 आए तो r क्या होगा 49/4 का रूट क्या होता है 7 49 का 7 और 4 का 2 मतलब 7/2 आया 7/2 मतलब 3.5 ये है सेंटीमीटर तो हम यहाँ 3.5 लिख देंगे लेकिन डेसिमल में बार बार बोलता हूँ हटाने के लिए तो आप क्या कर सकते हो 35 लिख सकते हो इसको 35/10 लिख सकते हो तो भी चलेगा ओके सो ये मैं 35 लिखता हूँ बाई 10। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये 3 5 कैंसिल होगा क्या भाई 3 5 15 नहीं कैंसिल नहीं होगा बट ये तो होगा ना ये 5 के टेबल में आता है 5 2 10 और ये 5 7 कैंसिल होगा अब ये 2 से कैंसिल होगा 2 1 2 7 फिर 1 कैरी था तो 2 7 तो 17 × 7 तो 7 7 क्या होता है मतलब यहाँ क्या मिला 77 × 7 तो ये हो जाएगा 7 7 49 4 कैरी 49 50 51 52 53 इतना इजी है ये क्या है वॉल्यूम है ना इन सेंटीमीटर क्यूब ओके ओके सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन व्हाट दे हैव गिवन ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर मतलब डोम कोई भी गुंबज कैसे होता है ऐसे दिखता है ना तो हेमिस्फीयर के शेप में था बोल रहे हैं फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट ए कॉस्ट ऑफ दिस मच मतलब अंदर से पेंट किया गया था मतलब सीए से तो सीए से को जब पेंट किए थे तो इतना कॉस्ट लगा था कितना 4989.6 रुपीस ये पूरा ओवरऑल सीएसए जो भी था उसके लिए अब बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग वाज 20 पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए ओके कितना कॉस्ट था 20 फाइंड द इनसाइड एरिया तो एरिया क्या होगा तो ये भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सीएसए क्या हो जाएगा 4989.6 / 20 आपको ये करना है
तो ये अप्रोक्सीमेटली आपको 249.4 ऐसे कुछ आएगा इन द मीटर स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि ये टोटल था, अब एक मीटर के लिए 20 लगा तो टोटल कितना होगा, टोटल डिवाइडेड बाई 20 रुपीज कर दो, ये मिल गया आपको क्या सी एस ए, मतलब इनसाइड सरफेस एरिया मिल गया। अब बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम मतलब क्या है, वॉल्यूम है ना डोम के इनसाइड कितना हवा भरा है, तो वॉल्यूम फॉर्मूला डाल के सब्सटीट्यूट करो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका इट इज 2πr³/3, बट हमको क्या दिया है, सिर्फ डायमीटर दिया है, राइट डायमीटर दिया है क्या, नहीं, बट सी एस ए तो हमने फाइंड किया, तो सी एस ए से अब आपको डायमीटर भी फाइंड करना है। सी एस ए इज इक्वल टू 249.4, ये है 2πr², ओके इज इक्वल टू 249.4 डेसिमल में है, तो आर स्क्वेयर आपको क्या करना है 249.4 डिवाइडेड बाई 2π, तो जब आप इसको 249.4 2×22/7 जब ऐसे करोगे तो r अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट इट एज, इसको सॉल्व करना है, ये स्क्वेयर था इधर जाए तो रूट होगा, तो जब आप सॉल्व करोगे सो आई गेस दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, ओके तो यू विल गेट इट अप्रोक्सीमेटली एज लगभग 6 के आसपास होगा आई गेस, ओके तो 6 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रूट 36 के आसपास आएगा, तो 6 ले लिए तो चलेगा, ओके वो अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू इग्नोर करो तो भी चलता है, तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करो 2×22/7 × r समझ लो 6 मिला, तो 666/3, ओके सो ये 3 2 जो कैंसिल हो जाएगा, और कहीं कर सकते हैं नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 22×24 कितना 12×6 = 72/7 ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे भी डायरेक्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड बाई 7 कर दो, यू विल गेट अराउंड 2524 के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा इन द मीटर क्यूब, ओके सो आई हैव एक्सप्लेन द मेथड्स हियर, ऐसे मेथड्स में आप ट्राई करो सॉल्व करने को, आंसर आपको मिलेगा, ओके सो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ओके और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए गुड डे, अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप पूछ सकते हैं, ओके या टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको भी ज्वाइन करो, डाउट वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो पूछ के, ओके सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, have a good day, see you all in the next video.